चलिए आचार्य जी, अब रुक करते हैं आज के राशिफल का, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जी सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, तो देखिए आज मेष राशि के जातकों को अपने दोस्तों और भाइयों से सहयोग मिलेगा, नए काम शुरू आज होंगे और सोचे हुए काम भी आज पूरे होंगे। संपत्ति के कामकाज पर आज आप ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। आज भागीदारों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, इस कारण आप बेचैन और अनिश्चित हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वाले लोगों को आज अचल संपत्ति में लाभ के योग आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन प्यार के मामलों में बहुत खास होगा। आपके भाई बहनों के साथ तर्क आपको काफी उदास कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वाले नए काम और नए बिजनेस की डील आज आपके सामने आ सकती है। परेशानियों से निपटने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कोई नया ऑफर भी आज आपको प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के लिए। आज का समय आपके लिए बाधाओं और मुश्किलों से निपटने के लिए एक कठिन समय है। आज कार्यस्थल पर दूसरों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने से आज आपको बचना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के लिए। आज नए ग्राहकों से बात करने के लिए बेहतरीन समय है, दिन है। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजें उस तरह नहीं होंगी जैसे आप चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप समस्त परिस्थितियों का फायदा उठा करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। कामकाज में भी आपका मन लगेगा। आज आपको अचानक कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यहां आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। आज आप सभी गतिविधियों में चमकेंगे और आज भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए कोई विशेष कार्य प्रधान सफलता प्रदान करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के लिए। आपके खर्चे बजट को बिगाड़ सकते हैं और इसलिए कई योजनाएं बीच में अटक सकती हैं। आर्थिक निवेश और लेन देन से बचें, नुकसान होने की संभावना बनती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के लिए। आज आपको दिन भर सावधान रहना होगा। कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण आपके लिए ही परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे, सावधान रहें। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। आपका रचनात्मक कौशल आज चरम पर होगा और आप इसका उपयोग अपने सभी कामों में करेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि के लिए। आज मीन राशि वाले लोगों के लिए कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आपको उससे जुड़े जोखिम के ऊपर भी विचार करना चाहिए। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो यह है राशिफल जिसके जरिए अपने दिन को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। आचार्य जी, कुछ और कॉलर है हमारे साथ, उनके पास हम चलेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? मैं सपना बोल रही हूँ। जी सपना जी, बताइए। मेरी जन्म तारीख है 4 जून 1982। मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कब लगेगी? समय बताइए। 4 समय पता नहीं है सर। 4 जून समय 1982। ठीक है, समय को ध्यान दीजिए। शहर कौन सा है? 1982 शहर सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर।
जी 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 आपकी सरकारी नौकरी देखिए, आपका सपना जी यहाँ सरकारी नौकरी निश्चित रूप से आपकी 2023 में जाके लगती, 2021 में कोई टीचर लाइन में लग सकती है। आपकी सरकारी नौकरी लगभग लगना तय होता है, गजकेसरी योग आपको बना हुआ है और बृहस्पति आपका 60 डिग्री पर, चंद्रमा 21 डिग्री पर, लेकिन मन चलायमान नहीं, आप निष्ठा से डेडिकेशन के साथ इस समय पढ़ाई करें, आपको सफलता मिल सकती है कोई लेक्चरर आदि में, और अपनी सरकारी नौकरी पहले ही लग जानी चाहिए थी, बाकी फिर 22 के बाद संभावना नहीं दिखती है। चलिए और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नमस्कार, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए अगले कॉलर के पास चलेंगे, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, नमस्कार, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? हेलो जी जी हेलो सुन रहा हूँ मैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी बताइए, मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है और मेरा जन्म समय है 3 जून 3 जून 1978 1978। ठीक है, जन्म समय बताइए। जन्म समय है रात के 2:30। जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है रतनगढ़। क्या जानना चाहते हैं? मेरे घर में बिल पत्र लगा हुआ है वो दक्षिण पूर्व में है और उसके नुकीले कांटे हैं, इसलिए ये जानना चाहता हूँ, आप शनि का बताते हैं दोस्त, नुकीले कांटों से बढ़ जाता है, तो क्या उसका करना चाहिए उपाय ये बताएं। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है, लेकिन मैं आपको फिर निवेदन करूं, ईशान कोण में तो नुकीले कांटे बिल्कुल ही नहीं लगाते, मगर भगवान शिव का वास ईशान कोण में करने से उस घर की, उस स्थिति, जगह की बदल जाती है। आपने साउथ वेस्ट में, आपका ये पेड़ है आप हटा दीजिए, साउथ वेस्ट में अधिकांश गणेश को बिठाते हैं, इसे आप हटाने के, पेड़ हटाने के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहां आप लगा रहे हैं तो उसे वहां नहीं लगा के दूसरे जगह लगाएं, और यदि है तो हटाने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि पेड़ लगाने का काम करते हैं, लोगों को हटाने का नहीं। जी तो ये थे तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब। आचार्य जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों के लिए भगवान श्री के चरणों में विनीत होकर के मंगल कामना, आपका दिन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामना के साथ श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो चलिए आज के भाग्यफल में इतना ही, खबरें जारी, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ, नमस्कार।